गुड मॉर्निंग एंड अलैकुम टू ऑल ऑडियंस हु आर वाचिंग दिस वीडियो एंड दिस चैनल माय सेल्फ डॉक्टर के सी सोनी एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी एट लोहिया कॉलेज चूरू बिलोंग्स टू रतनगर मैं डॉक्टर के सी सोनी खेमचंद सोनी मूलतः रतन निवासी हूँ और रतन पे विभिन्न पहलुओं को टच करते हुए छोट छोटे छोटे वीडियोज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ पूर्व में दो वीडियोज मैंने आपसे शेयर किए हैं जिसमें रतनगढ़ की स्थापना कैसे हुई उस पर एक सुखदेव जी मीणा का साक्षात्कार था वो मैंने YouTube पे शेयर किया है इसके बाद में रतनगढ़ की जितनी भी हवेलियाँ हैं सेठों की बनाई हुई उन हवेलियों पे एक छोटी डॉक्यूमेंट्री मैंने आपसे शेयर की है आज इसी श्रृंखला में रत्नगर में मस्जिद पे एक छोटा वीडियो शॉर्ट क्लिपिंग या डॉक्यूमेंट्री वो मैं आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विथ योर शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ऑन मस्जिद शॉफ रत्न ये इस पहली स्लाइड में आप देख रहे हो ये नवनिर्मित मस्जिद है लगभग एक करोड़ की लागत से इसका भी हाल ही में निर्माण हुआ है वीडियो प्रारंभ करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है या कुछ शब्दावली है जो मैं आपसे चर्चा करूंगा जैसे मस्जिद क्या होती है दरगाह क्या होती है तकिया क्या होता है और मजार क्या होता है मस्जिद वो इबादत स्थल होता है जहां पर मुस्लिम भाई दिन में आकर वहाँ पर नमाज करते हैं काबा की इबादत करते हैं विदेशों में जो मस्जिद होती है उनमें मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं लेकिन राजस्थान में मैंने देखा है कि लेडीज का मस्जिद में अलाउ नहीं है हालांकि साउथ इंडिया में लेडीज और जेंट्स दोनों मस्जिद में इबादत करते हैं मस्जिद में मस्जिद की भी पूरा एक आर्किटेक्चर है नेक्स्ट स्लाइड में इसमें मैं आपसे चर्चा करूंगा इसके बाद दरगाह दरगाह वो सूफी संतों की कवर होती है जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन के द्वारा गुबंद बना दिया जाता है इमारत बना दी जाती है वो स्थल दरगाह के नाम से जानी जाती है और इसमें हिंदू मुसलमान सभी धर्मों के जो लोग हैं वो मन्नत मांगने आते हैं और मन्नत जब पूरी होती है तो इस पर चादर चढ़ाने भी आते हैं जैसे राजस्थान में अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह है वो विश्व प्रसिद्ध है और इसी तरह की कुछ प्रसिद्ध दर दरगाह जिसमें एक दरगाह तो करीब साढ़े तीन सौ साल पुरानी है वो मेरे गांव के अंदर उपस्थित है तकिया वो जगह होती है जहां पर सूफी संत रात्रि में विश्राम करते हैं ये सूफी संत स्थाई रूप से भी वहां रह सकते हैं या भ्रमण के दौरान भी वहां एक दिन दो दिन भी विश्राम कर दिए तो उस स्थान को तकिया कहा जाता है मेरे गांव में एक तकिया भी है पीर जी का तकिया जिसको बोलते हैं मजार जो होती है मजार एक तरह से कवर के ऊपर जहाँ पर दफनाया गया है उसके ऊपर यदि चबूतरा बना दिया जाए तो वो मजार के नाम से जानी जाती है मेरे गांव में कोई मजार नहीं है अभी लेकिन अनूपगढ़ मुझे जाने का मौका मिला कुछ वर्षों पहले तो वहाँ पर समेजा गांव है समेजा कोठी वहाँ पर लैला मजनू की मज़ार है जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एकदम बॉर्डर है जस्ट तीन किलोमीटर दूर बॉर्डर है और पार्टीशन से पहले तो वहाँ पर आ, सालाना मेला लगता था उत्सव होता था आ, लेकिन वर्तमान में विथ परमिशंस यहाँ पर ये आयोजित किया जाता है तो ये कुछ चार शब्द है जो मैंने आपसे शेयर किए हैं रत्नगर में ग्यारह मस्जिद है छोटा सा कस्बा है इस रत्नगर की स्थापना 30 जून 1861 को हुई थी हिंदू तिथि में देखें तो विक्रम जयस कृष्णा अष्टमी विक्रम संवत 1917 को बिसाऊ के सेठ श्री नंदराम जी केडिया ने इस नगर को बसाया था और जब नगर ये बसाया उस समय बेहतर परिवार वो अपने साथ लेके आए थे जिसमें अग्रवाल समाज भी था हिरावत समाज भी था हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे कुछ उनके मुस्लिम परिवारों में मणियार है काजी है क्यामखानी है उन परिवारों को अपने साथ लेके आए थे और उन्हीं के वासिंदों के द्वारा मुस्लिम वासिंदों के द्वारा कुछ बहुत ही पुरानी दरगाह है पर बनी है। और अभी उसका रिनोवेशन हो गया है अमेरिका में चार दरगाह है ग्यारह मस्जिद है एक तकिया तक है मजार अभी नहीं है लेकिन हुतपुरा जाते हैं रतन से हुतपुरा जब कच्चे रस्ते से पैदल जाते हैं तो कुछ खेतों में चबूतरे बने और वहां पर Uh, कुछ मुसलमान भाई वहां पर चिराग बत्ती करने रोजाना शाम को जाते हैं तो ये एक शॉर्ट uh, में सर्वे है अब मस्जिद के मेन कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं इसकी स्टाइल यदि देखें, तो स्टाइल मैंने देखा है कि uh, भारत में भी अलग अलग जगहों में इसका जो कंस्ट्रक्शनल डिजाइन है वो अलग अलग देखने को मिलेगा विदेशों में अलग डिजाइन देखने को मिलेगी लेकिन भारत में अः मुगलों के आगमन के पश्चात कई मस्जिदें ऐसी है जैसे दिल्ली में जामा मस्जिद है यदि आप देखो तो वो पूर्णतया मुगल कालीन शैली पे बनाई गई है लेकिन अपने यहां शेखावाटी में देखें तो यहाँ पर जो मस्जिद का जो आर्किटेक्चर है वो मंदिरों से मिलता जुलता भी है आ, कुछ मुगल शैली से भी मिलता जुलता है और यहाँ के आ, मुस्लिम समुदाय चूंकि अरब कंट्रीज में चेजे का, का काम करके आते हैं तो वहां पर अरब कंट्री की जो डिजाइन है उस डिजाइन पर भी मीनार वगैरह है जैसे बनाई जाती है प्रत्येक मस्जिद में प्रार्थना के लिए एक हॉल होता है प्रत्येक मस्जिद में एक मकफिल होती है मकफिल वो जगह है जहां पर लेडीज भी नमाज अदा कर सकती है लेकिन चूंकि शेखावाटी में इस तरह का प्रचलन नहीं है मेहराब जो होता है ये आ, काबा की तरफ होता है तो जिधर भी पूर्वी देश पूर्वी दिशा के जो कंट्रीज हैं उनमें मेहराब पश्चिम दिशा की तरफ होगा लेकिन पश्चिम कंट्रीज के दो देश है जैसे मालया अमेरिका है सपोज वहाँ पर मेहराब पूर्व दिशा की तरफ होगा यानी मेहराब का जो डायरेक्शन है वो काबा की तरफ होता है मक्का मदीना की तरफ होता है इसके अलावा प्रत्येक मस्जिद में मीनार होती है मीनार की ऊंचाई है वो छोटी हो सकती है बड़ी हो सकती है आ, मेरे गांव में जैसे अभी मस्जिद बनी है तो आ, उसमें मीनार करीब 120 फीट ऊंची है नगर की सबसे ऊंची मीनार वाली मस्जिद है वो बनी है प्रत्येक मीनार में बीच में गोबंद होता है डोम होती है और एब्ल्यूशन पॉइंट एबल्यूशन पॉइंट वो जगह है जहां पर प्रार्थना से पहले आ, नमाज से पहले हाथ पैर धोए जाते हैं तो जनरली ये वॉशिंग पॉइंट है इसमें नलकूप है वो लगे रहते हैं टोटियां लगी रहती है और वहाँ पर अपने हाथ पैरों को धो के साफ़ सुथरे के फिर मस्जिद के अंदर प्रवेश किया जाता है इसके अलावा प्रत्येक मस्जिद में हेल्थ क्लब भी जैसे हैं कुछ मस्जिदों में पुस्तकालय भी वहाँ पर संचालित होता है कम्युनिटी सेंटर भी वहाँ पर संचालित होता है और मदरसा भी संचालित होता है जिसमें उर्दू और फारसी की पढ़ाई होती है और उर्दू और फारसी के लिए किसी भी धर्म के जो स्टूडेंट है वो इसके अंदर प्रवेश ले सकते हैं तो रतनगढ़ की कुछ मस्जिदों में मदरसा भी चलता है जहां पर मौलवी होते हैं उनको सैवैतनिक रखा जाता है और विद्यार्थियों को वो अरबी और फारसी की वो आ, शिक्षा देते हैं मस्जिद नमाज जो पढ़ी जाती है वो खुले स्थान पर भी हो सकती है क्योंकि आज के हजारों वर्ष पहले जैसे आ, खुली जगह में ही आ, खुदा की इबादत है वो की जाती थी तो ये एक खुली जगह की मस्जिद है इसको मस्जिद तो नहीं बोलेंगे इसको शायद मुसलमान बोलते हैं तो ये जैसे खेत के अंदर ये जगह है और इसी जगह पे आके मुस्लिम भाई हैं पूजा करते हैं और हमारे यहाँ भी देखा है कि खेतों में जो खेतों में जब काम करते हैं और सूर्यो सूर्यास्त जब हो रहा होता है तो उसमें सूर्यात के समय खेतों के अंदर ही जैसे नमाज है वो ली जाती है और नमाज है वो नमन से रिलेटेड है हिंदू माइथोलॉजी जैसे नमन है नमस्कार करते हैं देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो नमाज शब्द है वो नमन से लिया है और पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है लेकिन सभी धर्मों का मकसद एक ही होता है कि अपने आप जो अल्लाह है उसको याद करें खुदा को याद करें अपने देवी देवता को याद करें तो नमाज का अर्थ नमन से है ये रतन नगर की जुमा मस्जिद है और गांव की जब स्थापना हुई उसके तीन चार वर्षों बाद में इसका निर्माण हुआ और संभवतया 1865 इंग्लिश तिथि में अठारह के आसपास इसका निर्माण हुआ उसमें ये एक छोटे कमरे में संचालित होती थी छोटा तबूतरा था लेकिन वर्तमान में व्यापारियों मोहल्ले में ये मस्जिद है बहुत ही सुंदर मस्जिद है और काफी लाखों रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया है और इसके अंदर का जो हॉल है प्रार्थना स्थल है बहुत ही डेकोरेटेड है पूर्णतया वातानुकूलित है और नीचे इसमें कालीन है वो कारपेट है और रोजाना पचासों की संख्या में आ, मुस्लिम भाई इसमें नमाज पढ़ने आते हैं ये इसी मस्जिद का अंदर का भाग है आप देख रहे हो कितना सुंदर इसके अंदर कार्विंग की है कितना सुंदर डेकोरेटेड है आ, ये मेहराब है ये आथोनी मस्जिद है ये मस्जिद भी नगर की स्थापना के समय बनी है क्योंकि जब सेठ नंदराम जी आए थे उस समय कुछ काजी परिवार भी उनके साथ आए थे हालांकि अब ये परिवार भारतीय विभाजन के समय पाकिस्तान शिफ्ट हो गए लेकिन सन अठारह या छासठ के आसपास इस मस्जिद का निर्माण हुआ और इनके पास में ये कुएं का निर्माण हुआ और पूर्व में दूल्हे काजी थे और दूल्हे शाह काजी जब ईदगाह की नमाज पढ़ाते थे ईद और बकरीद की उसमें सजेवे ऊँट पर वो बैठ के आते थे वो एक विशेष उनको एक पावरनामा दिया गया था और एक विशेष रेस्पेक्ट से उनको देखा जाता था और बाकी नमाज अदा करने वाले जो बालक और पुरुष है वो पैदल ही आते थे और लेकिन दूल्हे शाह काजी के जो परिवार के जो मुखिया थे वाली थे उनके वो हुए ऊँट के ऊपर आते थे और बहुत ही दृश्य मनोरम दृश्य उसमें देखने को बन था तो ये आथोनी मस्जिद है ये भी डेढ़ सौ साल पुरानी है वर्तमान में इसमें ये कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है इसमें मदरसा भी चलता है ये इसी मस्जिद का भीतर का भाग है पूर्णतया बातानुकुलित है नीचे कालीन बिछा हुआ है ऊपर इसमें एक ये ये जिसको ब्राह्मदा टाइप भी कह सकते हैं ऊपर का और इसके अंदर पुस्तकालय भी है पत्र पत्रिकाएं भी आती है और 50 की संख्या में इसमें विद्यार्थी अरबी और फारसी का अध्ययन करते हैं ये गरीब नवाज मस्जिद है हालांकि इसको बने तो करीब 10-15 साल हो गए लेकिन इस नई बिल्डिंग का निर्माण अभी हुआ है और इसमें करीब एक करोड़ एक करोड़ रुपए की लागत से इस मस्जिद का निर्माण किया गया है पूर्णतया वातानुकूलित है इसमें भी मदरसा चलता है बर्तन भंडार चलता है और मोहल्ले में ब्याह शादियों के लिए जो बर्तन चाहिए परात है थाली है गिलास है कचौली है तो बर्तन भंडार भी ब्याह शादियों के लिए इसमें संचालित होता है आ, ये इसी में ऊपर ढोले में जैसे झाड़ फानुष है आ, ये मुख्तियार शाह की दरगाह है और गांव जब बसा था उस समय दस नौरियों के पास दसनौरे थे बहुत ही प्रसिद्ध उसमें एक नौरे में इनकी चबूतरा था कबर थी और काफी मान्यता है मैं जब छोटा था तो ईद के दिन इसमें गुड़ के चावल बनते थे और चावल खाने पूरा गांव यहां पर आता था मुझे अभी भी याद है और वर्तमान में मुस्लिम भाइयों के द्वारा इस पर बहुत ही सुंदर पहले तो ये गुमध है ये बनाया गया था आज के करीब पच्चीस तीस साल पहले और वर्तमान ये मीनार बना दी गई है अंदर हॉल है इसमें मदरसा भी है वो भी चलता है और काफी प्रसिद्ध है क्योंकि ऐसा मानते हैं कि इस दरगाह में जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है और पूरी होने के बाद इसमें चादर चढ़ाई जाती है और शुक्रवार के दिन यहाँ पर हिंदू समुदाय के जो लोग हैं वो भी नारियल भधारने यहाँ पर आते हैं ये इसी दरगाह का भीतर का दृश्य है आप देखते कितना सुंदर दृश्य है और पूर्णतया वातानुकूलित है और इसमें भी पचासों की संख्या में रोजाना इबादत करने मुस्लिम समुदाय के लोग हैं आते हैं हिंदू समाज के लोग भी आते हैं मत्था टेकने के लिए ये मदीना मस्जिद है और इसका निर्माण अलादीन जी धोबी तुगलक उन्होंने निर्माण किया पहले इसमें मदरसा ही चलता था नीचे के हिस्से में लेकिन बाद में मस्जिद का निर्माण इसके ऊपरी हिस्से में किया है और अलादीन जी भी काफी संघर्षशील व्यक्ति रहे हैं प्रसिद्ध नाटककार रहे हैं कई नाटक उन्होंने खेले हैं और विभाजन के समय ये और इनकी सिस्टर पाकिस्तान चले गए थे इनकी सिस्टर की वहां पर डेथ हो गई थी आ, उसमें कानून था कि पाकिस्तान में यदि आपका मन नहीं लगे यदि आप वहाँ पर सेट नहीं हो पाओ तो आप तीन महीने के अंदर वापस से भारत आ सकते हो तो ये इन, ये महीने दो महीने वहां पर रखे और उसमें प्लेग भी फैली हुई थी आ, लेकिन वहाँ पर इनका मन नहीं लगा और ये वापस भारत आ गए और भारत आने से पहले इनके मित्रों में पुरुषोत्तम लाल जी महर्षि जैसे थे आ, थेला सर के ठाकुर दीप सिंह जी थे आ, उन्होंने पीछे से इनके लिए आ, मकान भी खरीद लिया क्योंकि उसमें जो विस्थापित मकान थे उनको नगर पालिका ने नीलाम किया तो वो मकान भी आ, इनको दोस्तों ने, ने इनके लिए खरीद के रख दिया और आने पर उनका फिर पेमेंट कर दिया तो ये भी बहुत ही सुंदर मस्जिद है मदीना मस्जिद के नाम से ये इसका भीतर का प्रार्थना स्थल का दृश्य है ये दरगाह यासीन जी पीर चूरू रतनगर से चूरू जब आते हैं तो दाहिनी तरफ बहुत ही विशाल कैंपस में इसका निर्माण किया है और इसके अंदर भी दरगाह है वो चलती है यासीन साहब है खुद खुद भी वो काफी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और दूर दराज से कई हरियाणा से विशेषकर काफी संख्या में जो जायरीन है दर्शनार्थी है मन्नत मांगने इस दरगाह में आते हैं। इसी के अंदर ये दरगाह बनी हुई है कैंपस के अंदर इसके अंदर जैसे कबरगा का चबूतरा है ये सिकों की मस्जिद है और थेलासर में है ये रतनगढ़ थेलासर वैसे तो दो गांव है लेकिन थेलासर को यदि सिर माने तो रतनगढ़ धड़ है और दोनों गांव मिक्स है हालांकि थेलासर है वो करीब 300 साल पुराना है रतनगढ़ है वो करीब 160 सौ साठ पुराना है ये मस्जिद भी बहुत सुंदर है ये मस्जिद रतनगढ़ से देपाल सर जाते हैं तो उस तिराहे के ऊपर इसका निर्माण किया है इसके अंदर भी मदरसा चलता है बर्तन भंडार है इसमें रजाइयों का भंडार है व्याह शादियां जब भी होती है तो यहाँ से रजाई है वो ले जाते हैं बर्तन ले जाते हैं और इसी एक नंबर वार्ड के जो क्याखानी जो लोग हैं विशेषकर जो अस्थ अस्थ अस्थली खाजी है जैसे और इसके अलावा पंद्रह बीस परिवार है क्यामखानियों के उन्हीं परिवार के सदस्यों ने इसका निर्माण किया है हालांकि इस पर अभी रंग रोगन नहीं हुआ है लेकिन इसका जो डिजाइन है बहुत ही सुंदर है और आ, काफी अट्रैक्शन है क्योंकि चूरू से देपाल सर चूरू से रतन उस उसे पॉइंट के ऊपर इसका निर्माण किया गया है आ, ये करीम शाह की दरगाह ये भी बहुत प्रसिद्ध है आसपास के पूरे शेखावट एरिया में प्रसिद्ध है और ऐसा बताते हैं कि करीम शाह जब थेला सर की स्थापना हुई उस समय ठाकुर उमेश सिंह जी ने एक गढ़ जो बनाया था उस गढ़ की जो चार दीवारी है उनको इन करीम शाही ने चाका था ये जादू की छड़ी रखते थे और उस जादू की छड़ी से उन्होंने एक बाउंड्री बना दी और कहा कि इस बाउंड्री में इस गढ़ का निर्माण करना है तो पुराना जो गढ़ था उसके अंदर चार छह गुबंद थी छह बुर्ज थी यो मान चलो और आगे का जो पोर्शन था वो धोलिया कोट था जिसमें ऐसे ढलाई नुमा जैसे दीवार थी उसके ऊपर हल्दी घोड़े की लीद से उसकी चिनाई होती थी और ये जो फोग होता है फोग की लकड़ियों को नुकीली करके चूसदार करके वो लकड़ियाँ इस धलिया कोट के ऊपर जैसे गाड़ी जाती थी ताकि उस पर कोई चढ़ नहीं सके है जैसे कोई लोहे की जैसे कील नुकीली कील जैसे रोप दी हो तो उस तरह का ही इस गट का निर्माण हुआ था और वर्तमान में अब एक बुर्ज है इसमें विद्यमान है बाकी इसमें गिर चुकी है इसमें ठाकुर संपत सिंह जी का परिवार है वो इसके अंदर अभी रहता है ये इसका भीतर का है इस पर शिलालेख लेख भी लगा हुआ है ये ईदगाह मस्जिद है और ये भी जब नगर बना उसी समय के मुस्लिम परिवार के सदस्यों द्वारा इसका निर्माण किया गया था और वर्तमान में इसमें चारों तरफ दीवार है बनाई जा चुकी है गेट है बनाया जा चुका है और इसके पास में कब्रिस्तान भी है और जब भी मुहर्रम के जो ताजिए होते हैं ताजिए पूर्व दिशा से निकलते हैं और पश्चिम दिशा में इसी में जो खाली खाली जगह है काफी पाँच पाँच बीघा के आसपास से इसके पास खाली जमीन है लेकिन इसके जीर्णोद्वार की अभी आवश्यकता है क्योंकि इसका गेट है वो अभी तकलीदा है थोड़ा इतना मजबूत नहीं है और ने फिर भी 10-15 लाख रुपए का इस पर यदि खर्चा किया जाए तो बहुत ही मनोरम ये इमारत है वो बन सकती है ये पूरा चबूतरा है लगभग मेरे ख्याल से सौ बाई डेढ़ सौ फीट लंबा होगा और इसमें ईद और बकरीद की नमाज है वो फटी जाती है ये मामा भांजा की दरगाह है और अब्दुल्ले शाह अब्दुल्ले शाह और ये जो दरगाह है ये लगभग साढ़े तीन सौ साल पुरानी है और ऐसा बताते हैं कि ये ख्वाजा साहब के परिवार से इनका संबंध है और ये मामा भांजा उस समय सर यहाँ पर विद्यमान थे और इस इस जगह के चारों चार बस्तियां थी चार बास थे छोटे छोटे चारों के अलग अलग कुएँ होते थे एक कुआ अभी भी विद्यमान है जिसका जीर्णोद्वार बिलासराय जी केडिया के जो लड़की थी उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया और पहले मामा भांजा की दोनों की जो कबर है वो दूर दूर थी दोनों के भीत में दस फीट का अंतराल था लेकिन जब ये गोबंद पे बनाई गई तो दोनों कबर को नजदीक ला दिया गया उन पर शिला लेख भी लगा हुआ था और गांव की सबसे पुरानी ये दरगाह है काफी मान्यता प्राप्त है जो भी मन्नत मानी जाती है वो है उसकी मुराद पूरी होती है और शुक्रवार के दिन यहाँ पर गोट घुकरी की जाती है आसपास के खेत जब भी जुलाई में वर्षा ऋतु में जब हल जोतते हैं तो सबसे पहले इनमें पूजा है वो की जाती है और हाल ही में इसके पास से फोर लाइन हाईवे है वो निकला है और चूरू के हाजी मकबूल जी मंडेलिया जो पूर्व एम एल रह चुके हैं उन्होंने अपने खुद के पैसों से इस तक पहुंचने के लिए एक सड़क का भी निर्माण करवाया है लेकिन फिर भी यदि इस पर पचास साठ लाख रुपए लगाए जाए तो बहुत ही सुंदर दृश्य है एक तरह से रतनगर का पिकनिक स्पॉट भी बन सकता है और अभी भी मैं तो जब भी रतनगर जाता हूँ तो हाईवे से जाता हूँ और इस पर सजदा करके सर झुका के मैं गांव में प्रवेश करता हूँ और बहुत ही खुले वातावरण में बहुत ही सुंदर ये इस दरगाह के आ, काजी है जो यहाँ पर चिराग बत्ती करते हैं ये पीर जी का तकिया है पश्चिम दिशा में हाकम लीजी काजी के घर के पास और यहाँ पर सूफी संत रात्रि में विश्राम करते थे और इस मोहल्ले में जो ताजिए बनते हैं वो ताजिए इसी कैंपस में बने जाते हैं ढोल तरह से यहाँ पर बजाए जाते हैं और इसमें तीन चार कमरे बने हैं छोटी बारात होती है उनको भी यहाँ पर रुकाया जाता है और इसमें चिराग बत्ती है वो मोहल्ले के काजी हैं वो करते हैं और काफी मान्यता प्राप्त स्थल है ये इनके भीतर का स्थल है ये आयसा मस्जिद इसका निर्माण अभी दो तीन वर्ष पहले हुआ है और नगर के जो लीलगर जो समुदाय है रंगरे जो ओढ़ने पीले पोम्चे जो मनाते हैं चूनड़ी बनाते हैं करीब पंद्रह बीस परिवार है उन्होंने मिलकर इसका अभी अभी निर्माण किया है अभी रंगरोगन इसमें नहीं हुआ है और इसमें भी पांचों टाइम नमाज पढ़ी जाती है और नगर के जो छोटे बच्चे हैं उनको अरबी फारसी सिखाई जाती है ये इसमें मौलवी साहब है जो कि नमाज पढ़ रहे हैं ये इसके भीतर का सीन है ये मस्जिद से नमाज मस्जिद से निकलने की दुआ है अल्लाह इनी अस अलोक मिन फजलिक व रहमतिक है अर्थात या अल्लाह मैं तेरे फजल और रहमत का करता हूँ तो ये एक बहुत ही संक्षेप में मेरे गांव की मस्जिद का एक कलेक्शन चूंकि मैं मेरे नगर पे एक किताब का भी लेखन कार्य कर रहा हूँ और इसी लेखन कार्य के दौरान मुझे फोटोग्राफी करनी पड़ती है इन्हीं फोटोग्राफी के द्वारा मैं छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री भी बना रहा हूँ और वो समुदाय के लिए मेरे नगर के व्यक्तियों के लिए दूर दराज जो प्रवासी हैं विदेशों में जो प्रवास हैं क्योंकि वो गांव तो आते हैं लेकिन साल में एक बार ही आना होता है लेकिन जो वीडियो को जब वो देखेंगे तो उनका ऐसा लगेगा जैसे हम नगर भ्रमण करके आए इसी के साथ एक बार मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करता हूँ थैंक यू वेरी मच ये फोटो हमारे कॉलेज का ही है ये हमारे सभी विद्यार्थी हैं और वार्षिक उत्सव का ये सीन है जिसमें कवाली का एक प्रोग्राम प्रस्तुत किया था बच्चों ने तो उस दौरान ये एक समृद्धि मेरे पास थी इसी के द्वारा मैं आप सभी को एक बार हैवी गुड डे हैवी ग्रेट डे थैंक यू वेरी मच